जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर मंत्र जाप करते समय माला में से एक ऐसा जीव निकलने लगे तो आपके पास माता काली आने वाली है, जो कि माता काली उस जीव का रूप धारण करके आपकी माला में से निकल रही हैं। समझ रहे हैं, वो आपको ये अनुभव करा रही हैं कि मैं तेरे पास आने वाली हूँ, तू मेरे मंत्र का जाप ऐसे ही करते रहे। अगर तूने बीच में कभी भी इस मंत्र को रोका, किसी दिन ना जाप करा, तो वहीं के वहीं मैं आऊँगी नहीं और तेरे काम में रुकावट आ जाएगी। और मैं तेरे पास अपनी खुशी से आ रही हूँ, तभी मैं ये जीव का रूप धारण करके आ रही हूँ। तो जैसे कि भक्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, जितने भी काली माता के भक्त हैं, ठीक है, और काली माता के हर भक्त हैं जो माता काली के बीज मंत्र का जाप करते हैं, और बीज मंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा शक्ति माता काली की प्राप्त होती है। अब जैसे कि मैं आप सभी भक्तों को बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो माता काली के मंत्र जपते हैं, ठीक है, माला चाहे उनके पास कैसी भी हो, रुद्राक्ष की हो या कोई सी भी माला हो, हकीक की माला हो, कैसी भी हो, जिससे वो माता काली के मंत्रों को जपते हैं, माँ काली का नाम लेके उनके मंत्र जपते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जैसे कि माला में से एक जीव निकलता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी एक माला थी, वो थी रुद्राक्ष की, और उसी से मैं माता काली के मंत्रों का जाप करती थी, तो उसमें से एक जीव निकलता था। किस तरीके का होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ। जब आप जाप करते हैं तो उसमें से एक जीव निकलता है जो आपको खुद दिखाई देता है, और वो गायब भी हो जाता है अपने आप। इस तरह का जीव हर किसी व्यक्ति के माला में नहीं निकलता, ये सिर्फ उसके पास ही निकलता है जिसके पास माता काली आने वाली होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताऊँगी, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी काली माता के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को बताऊँ मैं, आज तक आपको किसी ने इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी होगी, आप पहली बार इस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। और मैं बता दूं, जिस व्यक्ति के पास माता काली आने वाली होती है तो उसी व्यक्ति को उसकी माला में से जीव निकलता हुआ दिखता है। वो किस तरीके का होता है, जैसे मैं बताऊं, देखो, आप माता काली के मंत्र जप रहे हो, ठीक है, मंत्र जपते जपते जहां आपको 70-80 बार गिनती आपकी हो जाती है, वहीं पे ही आप जब हाथों से उंगलियों से माला को पकड़ते हो और करते रहते हो, तो माला में से एक जीव निकलता है, एक बिल्कुल नन्ना सा, जैसे चींटी होती है, चींटी से भी बारीक होता है वो जीव। और वो जीव का कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है जैसे कि सीमेंट का कलर होता है, वैसा कलर होता है। और वो छोटा सा बिल्कुल कीड़ा होता है, वो आपकी माला में से निकलता है, और वो माला में से तब निकलता है जब किसी भी व्यक्ति के पास माता काली की कृपा होती है और माता काली उसके पास आने वाली होती है। तो वो कीड़ा आप लोगों के तब निकलता है जब आप मंत्र जाप करते हैं, और मंत्र जाप करते करते जिस व्यक्ति को समय हो जाता है, जैसे कि 2-3 महीने हो जाते हैं जो कंटिन्यू प्रतिदिन माता काली के हर एक मंत्रों को जपता रहता है, चाहे कोई सभी हो, बीज मंत्र हो या गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, तो वो कीड़ा उस माला में से निकलता है जिस व्यक्ति के पास माता काली की शक्ति होती है, ठीक है, और जिस व्यक्ति के ऊपर माँ काली की कृपा होगी और माँ काली जिसके पास आने वाली है इस मंत्र के जरिए से, तब वो कीड़ा निकलता है। और वो कीड़ा सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, मतलब आप लोग करेंगे जाप तो आपको ही दिखेगा, वो रेंगता 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 आपके पूरे हाथ पे घूमेगा, जिस हाथ से आपने माला पकड़ रखी है उसी हाथ पे घूमेगा वो, और वहीं से गायब हो जाएगा 2 मिनट में, और 2 मिनट में गायब होके फिर आपको खुद दिखाई भी देगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर दिखाई देगा। इस तरीके का वो जीव होता है, बिल्कुल बारीक होता है, और उसका कलर ऐसा होता है कि वो बस चमकता है, ठीक है, चमकता है, और आपको बिल्कुल छोटा सा खुद दिखेगा। और कभी भी आप लोग माँ काली के कोई भी मंत्र को जपते हो तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो कीड़ा हमारे माला में से तो नहीं निकल रहा, माँ काली का
कृपा है हमारे पर, माँ काली आने वाली है और तभी निकलता है वो कीड़ा। तो इस चीज़ की जानकारी आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है और आज भी होता है। जब भी मैं मंत्र जाप करने बैठती हूँ तो मेरे रुद्राक्ष की माला में से वो कीड़ा निकलता है और फिर पता नहीं ना जाने कहाँ जाकर गायब हो जाता है। और उस कीड़े से मैं कुछ मांगती भी हूँ तो कुछ अपने लिए, तो वो चीज़ भी मुझे मिल जाती है। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी वही कीड़ा दिखाई देगा जब आपके पास माता काली आने वाली होगी या फिर आप लोगों के ऊपर कृपा होगी माता काली की। तो इस तरीके का वो जीव होता है जिस तरीके से मैंने बताया। जब भी कभी आपको दिखाई दे तो आप कुछ भी अपनी मनोकामना उससे ज़रूर मांगे और गारंटी के साथ आपकी मनोकामना पूरी होगी, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार। जय माता काली, ओम नमः शिवाय, हर हर।